चलिए लेट्स स्टार्ट. वी आर नाउ जस्ट गोइंग थ्रू द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ चैप्टर 4 वेयर वी हैव टू चैप्टर्स रादर आई विल से थ्री हेडिंग्स टारगेट कॉस्टिंग लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एंड परेटो. ऑल्दो वी हैव डन इन क्वाइट अ डिटेल इन आवर क्लास जस्ट आई विल लाइक टू शो वॉट एवर वी हैव डन इज ऑलरेडी देयर और नॉट. ठीक है. So let's come to beginning of this chapter 4. You see, chapter 4 is talking about number 1, cost management techniques. In that it is saying you should have two parts. One is related to cost control, another is related to cost reduction. For cost control, they are giving you only one method, which is Pareto analysis. Pareto analysis actually alerts you about which are the material or finished goods that requires more control, more attention. Giving control means giving more attention. Control matlab kiske upar jyada dhyan dena hai. Theek hai? And cost reduction is to reduce your cost. For that, we have life cycle, target, okay? And from target costing, if you remember, we have learned value analysis and value engineering. And there is a new technique, which is environmental management accounting. So cost control or cost reduction, this we have learned from the basic days only. Inter mein ye tha hi, waise class mein bhi iske upar thoda bahut discussion hua hi tha. Iska ye table aap pad lenge, to it is enough for you. Difference between cost control and cost reduction. देन कॉस्ट रिडक्शन करने के डिफरेंट वेज हैं. यहां पे लिखा हुआ है स्कोप ऑफ कॉस्ट रिडक्शन. सो कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए नंबर वन तरीका प्रोडक्ट डिजाइनिंग, जिसमें हम लोग वैल्यू इंजीनियरिंग करते थे, याद है, वैल्यू इंजीनियरिंग. सेकेंड नंबर इज ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूवमेंट, ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चरिंग बोल सकते हैं आप इसको, ऑर्गेनाइजेशन का रीस्ट्रक्चरिंग, जिसमें आप हर फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं, उनको प्रॉपरली टास्क असाइन कर रहे हैं, उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोऑपरेशन कर रहे हैं, उनका रिमूवल ऑफ डाउट्स एंड फिक्शन एंड सबको इनकरेज करके चल रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशन में अगर लोगों की सोच को बदल दी जाए और सबको अपनी जिम्मेदारियां ठीक से समझा दी जाए, तो भी कॉस्ट रिडक्शन होता है. नंबर थ्री फैक्ट्री लेआउट ऑफ इक्विपमेंट्स. लेआउट मतलब होता है जैसे आपके इक्विपमेंट ए नंबर यहां है, बी नंबर यहां है. अब ए से बी बहुत ज्यादा जाना पड़ता है, तो ए से बी का डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण कॉस्ट बढ़ जाएगा. अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसको पास पास प्लेस किए जाए, दैट इज लेआउट. उससे भी कॉस्ट रिडक्शन होता है. देन प्रोडक्शन प्लान प्रोग्राम एंड मेथड, दीज आर ऑल रिलेटेड टू टाइम स्टडी, वर्क स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, हाउ आवर मैन पावर कैन अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी. देन इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू योर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन योर प्रोडक्शन, सो दैट लीस्ट वेस्टेजेस आर प्रोड्यूस्ड. वो सब यहाँ पे सारे एक्सप्लेन किए हुए. मैं कॉमन सेंस से आपको आंसर बता रहा हूँ, मतलब ट्रूली स्पीकिंग ये सब आंसर कॉमन सेंस है, कॉस्ट रिडक्शन कैसे कैसे हो सकता है. देन टूल्स एंड टेक्निक्स को स्पेसिफिकली ये लोग जो बता रहे हैं वो है वैल्यू एनालिसिस. वैल्यू एनालिसिस में क्या करते थे, वैल्यू एडिंग नॉन वैल्यू एडिंग को आइडेंटिफाई करते थे, फिर नॉन वैल्यू एडिंग को एलिमिनेट करना है. इन्वेंटरी मैनेजमेंट में जेआईटी से भी कॉस्ट रिडक्शन होता है, मतलब आप अननेसेसरी ओवर प्रोडक्शन मत करिए, जितना जरूरत हो उतना ही बनाइए. रॉ मटेरियल इन्वेंटरी रिड्यूस करिए, डब्ल्यूआईपी इन्वेंटरी रिड्यूस करिए. याद है जेआईटी का पूरा फिलोसॉफी आपको यहां पे बताना है. बीपीआर से कॉस्ट रिडक्शन होता है, टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग, ऑल दोज आर फॉर कॉस्ट रिडक्शन, जिसको काफी आप पढ़ भी चुके हैं. और अभी यहां पे क्वेश्चन टारगेट कॉस्टिंग को लेकर रेज किया गया. तो टारगेट कॉस्टिंग में यू सी ये सब थ्योरी जो है यहां पे जितने भी हैं, ये सब पुराने मैट में भी थे, हमारे क्लास के मैट में भी, पीछे में स्लीपिंग कैप्सूल सेगमेंट में सब दिए हुए हैं. हालांकि हम लोग स्पेसिफिकली सारे थ्योरी को एड्रेस नहीं करते थे, अभी मैं बस वो नजर से निकाल दे रहा हूं आपको कि आपको यहां से क्या क्या और देख लेना चाहिए.
तो टारगेट कॉस्टिंग में देखिए, ये तो पूरा स्टेप्स के बारे में एक चार्ट बनाया हुआ है, स्टेप्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग. इफ यू रिमेम्बर स्टेप्स, सबसे पहले मार्केट रिक्वायरमेंट याद है, फिर मार्केट रिक्वायरमेंट के बाद टारगेट प्राइस, टारगेट कॉस्टिंग जिनका किया हुआ है, टारगेट प्राइस, मार्केट वॉल्यूम, टारगेट प्रॉफिट ऑन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, देन टारगेट कॉस्ट, देन प्रोटोटाइप बनाओ, उसका एक्चुअल कॉस्ट देखो, फिर एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा हो गया तो कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम सेट करो थ्रू सेवरल टेक्निक्स, देन कॉस्ट को मैच करा के लॉन्च करो. लॉन्च करने के बाद काइजन करते रहो. याद आया? यहाँ पे वही चीज बता रहा. देखिए तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है ये आपको पढ़ना चाहिए. एडवांटेजेस इज प्रोएक्टिव अप्रोच है ये, इट री इन्फोर्सेज टॉप टू बॉटम कमिटमेंट. सबको मिलके चलना पड़ेगा, मतलब इट इज नॉट जस्ट अबाउट टॉप मैनेजमेंट थिंग, इट्स अबाउट ऑल द टीम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इट स्टार्ट्स विथ कस्टमर स्टडी और मार्केट स्टडी. तो कंपनी का कॉम्पिटिटिव फ्यूचर ज्यादा बेहतर होता है. प्रॉपर प्लानिंग अहेड ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग. और फिर मैं दो मिनिमाइज नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज ऐसे ही आपको मार्क कर दे रहा हूं. रिड्यूस टाइम टू मार्केट. रिड्यूस टाइम टू मार्केट मतलब एक होता था ना, पहले बना के बेचने जाते थे, और यहां तो डिमांड पता करके आप सर्वे करके बेच रहे हो तो जल्दी बिकी जाएगा आपका. फिर मेन फीचर्स में वही स्टेप्स है जिसके बारे में हमें अब और कुछ जानना नहीं है. जो एक्स्ट्रा वही मार्क कर रहे हैं कंपोनेंट्स में. एनालिसिस इंजीनियरिंग हम लोग सब जानते हैं, जस्ट एक टिक मार दिया. नाउ एनालिसिस इंजीनियरिंग के लिए दे आर एक्सप्लेनिंग इन क्वाइट अ डिटेल हियर कि हाउ शुड यू थिंक, हाउ शुड यू थिंक. इट्स वी नो व्हाट इज वैल्यू एनालिसिस, वी नो व्हाट इज वैल्यू इंजीनियरिंग, बट व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट यू शुड आस्क टू योरसेल्फ व्हेन यू आर डूइंग दिस वैल्यू एनालिसिस इंजीनियरिंग. तो दिस इज ऑल एक्सप्लेनिंग हाउ टू डू इट, हाउ टू डू इट. कैन वी एलिमिनेट फंक्शंस फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में से कोई एक फंक्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं क्या? कैन वी एलिमिनेट सम ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी? कैन वी मिनिमाइज द डिजाइन? कैन वी डिजाइन द प्रोडक्ट बेटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? कैन वी सब्स्टिट्यूट एनी पार्ट्स? कैन वी कंबाइन सम स्टेप्स? कैन वी टेक सप्लायर्स असिस्टेंस? इज देयर एनी अदर बेटर वे? इज देयर अ बेटर वे? मतलब दिस इज अबाउट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. दिस इज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. समझ में आ रहा है? मतलब दीज आर द वेज दैट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ वैल्यू एनालिसिस इंजीनियरिंग शुड बी डन. ये जैसे वैल्यू एनालिसिस को सपोर्ट कर रहा है, ये वैल्यू एनालिसिस को सपोर्ट कर रहा है, ये वैल्यू इंजीनियरिंग को सपोर्ट कर रहा है. कैन वी डिजाइन, डिजाइन वर्ड आ रहा है तो वैल्यू इंजीनियरिंग को सपोर्ट कर रहा है. सब्स्टिट्यूट पार्ट्स वैल्यू इंजीनियरिंग को सपोर्ट कर रहा है. ये कंबाइन स्टेप्स वैल्यू एनालिसिस को सपोर्ट कर रहा है. कैन वी टेक सप्लायर असिस्टेंस, ये एनालिसिस और इंजीनियरिंग दोनों में सपोर्ट कर सकता है. सप्लायर आके कई बार बता देता है आपको कि आप हमारा जो पार्ट्स ले रहे हो ना उसको लेके ऐसे बनाओ तो जल्दी बनेगा, तो उनको अपने चीजों के बारे में ज्यादा बेहतर आइडिया होता है. राइट right? मैंने ऐसे ही आइडिया दिया. ये देखिए कोई रटने का सामान नहीं है. दीज आर द वेज हाउ यू कैन थिंक ओवर एनालिसिस एंड इंजीनियरिंग. दीज आर द वेज, दीज आर द सेवरल क्वेश्चंस. एनालिसिस करना है तो अब नॉन वैल्यू एडिंग को हटाएंगे, वैल्यू एडिंग को रखेंगे, तो वैल्यू एडिंग को भी कंबाइन कर सकते क्या? बहुत सारे वैल्यू एडिंग दिख रहे हैं तो दो तीन स्टेप को कंबाइन कर दे तो खर्चा बचेगा. उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है दोस्तों, उसमें मैं इतना जाने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, और कॉमन सेंस की चीजें हैं. आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि यू रीड वंस. इफ यू रीड वंस यू आर श्योर दैट यू विल बी एबल टू राइट समथिंग. इफ यू डोंट रीड, इफ यू जस्ट रीड द हेडिंग तो यू विल राइट ओनली द न्यू सेंसेस. एग्जाम में फिर लिखने की जब बात आएगी तो आपके पास इंग्रेडिएंट्स कम होंगे, आप अपना मन से ही सारा फेंक रहे होंगे. तो उससे बेटर एक रीडिंग तो करना ही, अपने करिकुलम में इतना टाइम अलॉट करना कि एक बार हम रीड करेंगे.
There is problems with target costing. This had been questioned previously in exam also, in old course also. This they have asked, what are the different problems? कि डेवलपमेंट प्रोसेस कई बार बहुत समय ले लेता है, लेंथेंड टू कंसिडरेबल एक्सटेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा इटरेशन करने पड़ते हैं डिजाइन टीम को टू अचीव द कॉस्ट रिडक्शन टारगेट. कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए इटरेशन मतलब रिपीटिशन, तोड़ो बनाओ तोड़ो बनाओ तोड़ो बनाओ, और उसका एक कॉस्ट भी बहुत ज्यादा चल जाता है. और कई बार होता है कि ना डिफरेंट टीम में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, क्योंकि सबको मिलकर टारगेट कॉस्टिंग अचीव करना पड़ता है, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो फिंगर पॉइंटिंग हो जाता है, ये बोला था इसलिए ऐसा हुआ, ये नहीं बोलता तो ऐसा नहीं हो पाता. मतलब दैट मे हैपन विद इन द टीम. जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स है, ह्यूमन रिलेशंस प्रॉब्लम है, वो सब हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग स्टाफ विल नॉट बी हैप्पी इफ इट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली ऑल्टर द प्रोडक्शन लेआउट इन ऑर्डर टू जनरेट कॉस्ट सेविंग्स. हाँ, बाकी सब उसके पीछे पड़ जाएंगे, हाँ हाँ लेआउट ही चेंज करना होगा, ये सही बोल रहे हैं, और कोई उपाय नहीं है. अब उसी के ऊपर प्रेशर डाल दिया गया, पूरा लेआउट चेंज करो और बाकी सब अपना अपना काम करें. तो ये सब एक टारगेट कॉस्टिंग में प्रॉब्लम है. और वही है ना, टू मेनी कुक स्पॉइल द सूप, वो वाला भी चीज होता है कि सारे लोगों को लेके बैठना. कई बार ये लोग इतना कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज डाल देंगे कि आपका काम होगा ही नहीं. डिफिकल्ट टू रीच अ कंसेंसस. फिर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन कभी कभी अनसक्सेसफुल हो जाता है, तब क्वालिटी खराब कर देता है टारगेट कॉस्टिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं ड्यूरेबिलिटी रिलायबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. ठीक है, तो टारगेट कॉस्टिंग की खामियां यही है. कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत टाइम लगता है ना, तो यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि हम लोग कितना दिन तक ये कॉस्ट रिडक्शन का इटरेशन करेंगे, फेज आउट कब कर जाएंगे. मतलब क्या तो इतना दिन में करो तो लॉन्च करेंगे, अगर आप डिजाइन टीम वगैरह इतना दिन में रिजल्ट नहीं ला पाए तो उसको स्क्रैप करेंगे. ज्यादा इसको खींचना नहीं चाहिए, हम लोग कर रहे इटरेशन कर रहे इटरेशन कर रहे, ज्यादा खींचोगे तो वेस्ट ऑफ टाइम है. ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स रोल इन कॉस्ट टारगेट कॉस्टिंग एनवायरमेंट. He should be able to continuously provide the cost estimates on initial design sketches. Management accountant क्या करेगा, cost estimate देता रहेगा time to time. आपका जो जो designing हो रहा है उसका cost estimation वो करेगा. Second, he should be responsible for any capital budgeting decision. वो cap budget करके देगा. अगर आपको life wife मालूम है तो वो बताएगा कि इतना कैपेक्स वर्थवाइल है कि नहीं है. ही विल ऑल्सो डू एलोकेशंस बेस्ड ऑन एबीसी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ वेरियस कॉस्ट. और आपको समझाएगा कॉस्ट और बेनिफिट ट्रेड ऑफ क्या है. ट्रेड ऑफ मतलब समझते हैं क्या, कि कॉस्ट पाने के लिए, कॉस्ट सेविंग्स पाने के लिए बेनिफिट में क्या फोरगो करना पड़ेगा. ट्रेड ऑफ मतलब होता है एक आता है तो दूसरा जाता है. कॉस्ट सेविंग आता है तो हो सकता है कुछ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइजेस होंगे, तो उसका ट्रेड ऑफ बस समझाएगा. वो ये भी बताएगा कि हाउ वेरियंस कितना आ रहा है, अभी भी वेरियंस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट एंड टारगेट कॉस्ट. फिर ये भी वो इंश्योर करेगा कि प्रोडक्ट एक्चुअल कॉस्ट टारगेट कॉस्ट आफ्टर द डिजाइन इज कंप्लीटेड भी मीट होना चाहिए, जब तक वो बिक नहीं जाए. मतलब ये एक्चुअल एंड टारगेट कॉस्ट शुड बी सेम एक्चुअल एंड टारगेट कॉस्ट शुड बी सेम अंटिल एक्चुअल सेल्स. सेल्स शुरू होने के पहले तो कम से कम डिविएट ना करें. देखिए, हमारा जो मॉक टेस्ट का एक्सपीरियंस रहता है ना, स्टूडेंट्स जब आपके अपने टर्म के पहले मॉक टेस्ट यहाँ पे देते हैं, आप लोगों को भी रिक्वेस्ट अपडेट जाएगा ही, जब भी एग्जाम होने वाला हो उसके एक महीना पहले यहाँ मॉक टेस्ट मैं हमेशा कंडक्ट करता हूँ. तो मॉक टेस्ट में मेरा हमेशा ऐसा क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव रहता है जिसमें थ्योरी भी रहे
और प्रैक्टिकल भी रहे, क्योंकि आप लोग फोकस खाली प्रैक्टिकल पे करते हो, थ्योरी पे करते नहीं हो, और समटाइम्स थ्योरी ओरिएंटेड पेपर आ जाता है, और वो थ्योरी ओरिएंटेड पेपर जब आएगा तो आप एकदम अंधाधुंध जो भी लिख रहे हैं वर्ड्स नहीं मिल रहे या अपना मन से लिख रहे हो समझ में आ जाता है, तो वो मैं नहीं चाहता। उसे पकड़ में आता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स मन से लिखते हैं क्योंकि थ्योरी के ऊपर डिवोट करते नहीं टाइम। और मैं वापस रिमाइंड करूँ कि नया सिलेबस थ्योरी फोकस थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा है, तो आपको थ्योरी के लिए टाइम डिवोट करना है, और इसीलिए सर भी इतना थ्योरी के लिए टाइम डिवोट अब कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे अब कर रहे हैं। पहले नहीं करते थे क्योंकि पहले व्हाट इज पे फोकस था, तो व्हाट इज तो क्लास में ऐसे ही समझा देते थे, अब हाउ टू ऐसे समझाया नहीं जा सकता, उसके लिए अपने को भी पढ़ना पड़ता है, अपने को भी पूरा एक एक एग्जाम्पल क्रिएट करके समझाना पड़ता है। तो एग्जाम में भी जब आंसर लिखते हो तो आपको एग्जाम्पल्स भी देने होते हैं कई कई जगह, ये भी ध्यान रखिएगा, वरना आपका एग्जामिनर समझेगा कैसे। देन इम्पैक्ट ऑफ टारगेट कॉस्टिंग ऑन प्रॉफिटेबिलिटी इज अगेन रिपीटिशंस ऑफ व्हाट वी हैव रेड ऑलरेडी। इट इज कंटिन्यूइंग एम्फेसिस ऑन प्रोडक्ट कॉस्ट थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। इट इम्प्रूव्स प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू प्रिसाइज टारगेटिंग ऑफ करेक्ट प्राइसेस। बेसिकली यू कैन से जो वेरियंसेस है और कॉस्ट रिडक्शन है वही प्रॉफिट को इम्प्रूव करते हैं, मतलब वेरियंस को आप कंट्रोल कर दीजिए एक्चुअल और टारगेट कॉस्ट का, और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते रहिए तो प्रॉफिट बढ़ेगा, उसी के बारे में बता रहे हैं। टारगेट कॉस्टिंग के लिए डेटा कहां से आएगा? डेटा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेंट्रल अकाउंटिंग डेटाबेस। इनिशियल स्टेजेस में गैस वर्क करना पड़ेगा, आपका अकाउंटिंग डेटाबेस से आएगा कि किस चीज का क्या कॉस्ट पड़ता है। दूसरा यहां पे गैस वर्क करिए, आप सर्वे करिए बेसिकली। एडिशनल एस्टिमेट ऑफ द हाइएस्ट पॉसिबल कॉस्ट रिस्क बचाने के लिए। एडिशनल एस्टिमेट ऑफ हाइएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, सिनेरियो एनालिसिस बोलते हैं इसको, कि बेस्ट केस क्या हो सकता है, वर्स्ट केस क्या हो सकता है। एडिशनल एस्टिमेट ऑफ हाइएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, कॉम्पिटिटर से सर्वे करके डेटा ले आइए। एडिशनल एस्टिमेट ऑफ हाइएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, सब यहां लिखा हुआ है, आप देखिए ना, मैं रिपीट कर रहा हूं, पर का फर्स्ट लाइन में सब लिखा हुआ है। कॉम्पिटिटर्स आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, या कोई रिसर्च एजेंसीज होती हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप। रिवर्स इंजीनियरिंग पर याद है क्या, क्या कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट को ऑप्टेन करके आप उसको री इंजीनियर करो, मतलब खोल के देखो कि उन्होंने कैसे अचीव किया अपना टारगेट। कलेक्टेड ओवर द इयर्स पास डेटा, डिजाइन डेटा ओवर द इयर्स, पुराने डिजाइन डेटा ओवर द इयर्स, जो सक्सेस हुए होंगे या जो फेल हुए होंगे। मोस्ट यूजफुल सिचुएशन जो यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, इट इज टॉकिंग अबाउट कि टारगेट कॉस्टिंग इज नॉट फॉर सर्विसेज, इट कैन बी फॉर गुड्स ओनली। इट इज गुड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, नॉट फॉर सर्विस इंडस्ट्रीज। व्हाई?
एंड इसमें भी एक फेवरेबल सिचुएशन बताया है कि इट इज गुड ओनली वेयर, इट इज यूजफुल ओनली वेयर मैक्सिमम कॉस्ट डिजाइन में ही लॉक हो जाएगा. वेयर मैक्सिमम कॉस्ट आर लॉक्ड इन डिजाइन फेज, आर लॉक्ड इन डिजाइन फेज. वेयर मैक्सिमम कॉस्ट आर लॉक्ड इन डिजाइन फेज, इट इज यूजफुल वेयर मैक्सिमम कॉस्ट आर लॉक्ड इन डिजाइन फेज. अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसमें डिजाइनिंग के वक्त ही उसका सारा कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे या फिर मशीनरीज पे या फिर बाकी अदर ओवरहेड्स पे पता चल जाए तो टारगेट कॉस्टिंग सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है. बट अगर ऐसे कोई कॉस्ट होंगे जो प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद निकल निकल के आएंगे तो आपको तो नुकसान हो जाएगा. इसलिए यहां पे सजेशन ये रहता है कि आपको रीडिजाइनिंग कंटिन्यूअसली करते रहना चाहिए. यहां पे दिया हुआ देखिए, सम कंपनीज विच सीम टू बेनिफिट फ्रॉम टारगेट कॉस्टिंग आर विच मेंटेन द फॉलोइंग क्राइटेरिया, किनके लिए यूजफुल होता है. एग्जाम्पल्स ऑफ कंपनीज वेयर टारगेट कॉस्टिंग आर यूजफुल, टारगेट कॉस्टिंग इज यूजफुल. असेंबली ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, असेंबली वही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाना, गाड़ी बनाना, वहां पे बहुत यूजफुल होता है. इन्वॉल्व हेविली विथ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स. नाउ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन में वो जनरल मोटर का एग्जांपल याद है? जनरल मोटर नहीं याद है, जिसने कंपटीशन दिया था फोर्ड को शेवरले बना के. वैरायटी, कैसे वैरायटी बनाया था? अलग अलग छोटा छोटा प्रोडक्शन लाइन बनाया अलग अलग कार के लिए. तो उनके लिए ये सही है. यूज टेक्नोलॉजीज ऑफ फैक्ट्री ऑटोमेशन, क्योंकि इससे क्या होता है, टेक्नोलॉजी यूज करने से इनिशियली सारा कॉस्ट लॉक हो जाएगा, बाद में बहुत कम कॉस्ट आते हैं. हैव एक्सपीरियंस शॉर्टर प्रोडक्ट लाइफ साइकल्स, इसका एक स्टैंडर्ड भी दिया, वेयर द पे बैक फॉर फैक्ट्री ऑटोमेशन टिपिकली मस्ट बी अचीव्ड इन लेस देन 8 ईयर्स, लेस देन 8 ईयर्स पे बैक. वही वापस रिपीट हो रहा है कि सारे कॉस्ट ड्यूरिंग प्लानिंग डिजाइन एंड डेवलपमेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ही आ जाए. और जिनके यहां पे JIT वैल्यू इंजीनियरिंग मेथड्स भी इंप्लीमेंट किए जा सके या किए हो ऑलरेडी, उनको बहुत फायदा होता है टारगेट कॉस्टिंग से. टारगेट कॉस्टिंग में ये भी एक पॉइंट है, होमोजीनियस प्रोडक्ट वाला, मतलब आप अगर कोई यूनिक चीज बनाने जा रहे हो तो टारगेट कॉस्टिंग रिस्की है, थोड़ा सा वो रिस्की है, बन सकता है बट रिस्क है. फिर बोल दिया देखिए, ये लिस्ट एग्जॉस्टिव भी नहीं है, नॉट एग्जॉस्टिव. ये सब आइडिया के लिए एग्जाम्पल, इसलिए मैंने लिख दिया आपके लिए, एग्जाम्पल है, नॉट एग्जॉस्टिव. आप हो सकता है आप अपना मन से और भी पॉइंट्स जोड़ सकते हैं, नॉट एग्जॉस्टिव. मतलब यही पत्थर की लकीर है, ऐसा नहीं सोचना. अच्छा, टारगेट कॉस्टिंग ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाए, व्हाई इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन सर्विस सेक्टर, देन क्या लिखोगे? बिकॉज कस्टमर अकॉर्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड होता है, वेरी गुड. तो वहां पे रिपीटेटिव काम नहीं होते, रिपीटिशन नहीं होगा तो कॉस्ट कम नहीं होगा, रिपीटिशन नहीं होगा तो कॉस्ट कम नहीं होगा, कॉस्ट कम नहीं होगा तो टारगेट कॉस्टिंग का कोई मतलब ही नहीं है. टारगेट कॉस्टिंग मतलब ये कि एक प्रोडक्ट को लॉन्च करिए बहुत कम प्राइस पर, जिसे ज्यादा वॉल्यूम मिले. तो ज्यादा वॉल्यूम तभी मिलेगा ना जब आप एक स्टैंडर्ड चीज को सब जगह पहुंचा रहे हो. अगर आप कस्टमाइज चीजों को बेचोगे, सर्विसेज में कस्टमाइजेशन बहुत होता है, इसलिए वहां पर टारगेट कॉस्टिंग फेवरेबल नहीं होता.
ठीक है, मतलब देर इज कंटिन्यूअस नीड ऑफ रीडिजाइनिंग विथ एवरी कस्टमर्स ऑर्डर. यहां पे और भी केस स्टडीज हैं, अच्छा अच्छा केस स्टडीज है, ये इंपॉर्टेंट है. टारगेट कॉस्टिंग एंड फास्ट फूड. फास्ट फूड रेस्टोरेंट में लगेगा क्या टारगेट कॉस्टिंग? फास्ट फूड वैसे गुड्स बेच रहा है कि सर्विस दे रहा है? सर्विस, सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस देता है. रेस्टोरेंट इज अ सर्विस प्रोवाइडर. रेस्टोरेंट कभी भी गुड्स में नहीं आता, ठीक है. रेस्टोरेंट में सर्विस प्रोवाइडर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हालांकि उनका आउटपुट टेंजिबल है, मानते हैं फूड खिला रहा आपको, बट मेजरली वी पे देम फॉर यू नो व्हाट. अब जैसे 200 रुपया का पनीर का सब्जी, तो उसमें जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट होता है उसका. वो पनीर का दो टुकड़ा का 200 रुपया ले लेगा, थोड़ा सा नूडल्स डाल के देगा, आपको उसका 300 रुपया बिल कर देगा. तो वो नूडल्स का रॉ मटेरियल जो कॉस्ट है इट इज निग्लिजिबल. तो फॉर व्हाट दे आर चार्जिंग, इट्स ऑल फॉर इनटैंजिबल्स, एनवायरमेंट दैट दे आर प्रोवाइडिंग. सो इट इज डोमिनेंटली यू कैन से सर्विस ओरिएंटेड, इट इज नॉट एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड. इट हैज वेरी, और मैन्युफैक्चरिंग का खासियत होता है क्या, यू नो मैन्युफैक्चरिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत लार्ज होते हैं, फास्ट फूड जॉइंट्स छोटे छोटे होते हैं. मैन्युफैक्चरिंग में वेरिएशंस एकदम भी नहीं होते, बट यहां पे वेरिएशंस ज्यादा होते. छोटा सा रेस्टोरेंट, इतना सारा मेन्यू आइटम, तो सर्विस में ज्यादा सूट करता है. बट इसमें ऐसे बोलते हैं कि जैसे आप टारगेट कॉस्टिंग मतलब बोलना चाह रहे हैं पहले कि आप बहुत सारा चीज को डिजाइन फेज में लॉक कर दो. टारगेट कॉस्टिंग मतलब यहां पे ऐसे सोचना है कि बहुत सारा कॉस्ट आइटम्स को डिजाइन फेज में लॉक कर दो जिससे बेस्ट आपका प्राइस निकल पाए. तो जब आप कोई लेआउट उनका बना रहे हो अंदर का कि कम से कम मूवमेंट में प्रोडक्शन हो पाए, तो उस समय टारगेट कॉस्टिंग लग सकता है. बट इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट टारगेट कॉस्टिंग इन द एंटायर प्रोडक्ट सिस्टम. आप लीस्ट प्राइस पे उसको बेचने का सोच नहीं सकते बिकॉज ऑफ ह्यूज वेरिएशन, बिकॉज ऑफ यू कैन से टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रिंगिंग न्यू आइटम्स ऑल्सो इन द मेन्यू. तो यहां पे दोनों तरह से आंसर लिखा हुआ है. एक है कि टू कवर शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस वाइल प्रिपेयरिंग फूड एंड सर्विंग कस्टमर्स, दिस इज सिमिलर टू डिजाइन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इन टारगेट कॉस्टिंग. सो हियर ऑन दिस टारगेट कॉस्टिंग कैन बी अप्लाइड. मतलब इस तरह से लेआउट सजाइए कि आपका एम्प्लॉई लोग को कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े, ठीक है, लेआउट के ऊपर. लेकिन हाउएवर अनलाइक अ प्रोडक्ट डिजाइन द लेआउट कैन बी रेडिली ऑल्टर्ड एट एनी टाइम इफ डिजाइन टीम कैन अराइव एट अ बेटर लेआउट सो दैट रेस्टोरेंट स्टाफ कैन कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस हायर लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी. ये ऑल्टरेशन की बात जैसे ही आती है वहां पे टारगेट कॉस्टिंग कोलैप्स हो जाता है. इवन आफ्टर द इनिशियल डिजाइन एंड लेआउट ऑफ द फैसिलिटी इन दिस सिचुएशन कॉस्ट आर नॉट लॉक्ड इन द डिजाइन फेज सो देर इज लेस नीड ऑफ टारगेट कॉस्टिंग. ये ऑल्टर्ड जब भी होगा तो मे रिक्वायर फ्रीक्वेंट ऑल्टरेशंस. सो टारगेट कॉस्टिंग इज नॉट यूजफुल, मे रिक्वायर फ्रीक्वेंट ऑल्टरेशंस. सो टारगेट कॉस्टिंग इज नॉट यूजफुल. देन यू सी यू हैव नेक्स्ट वन, टारगेट कॉस्टिंग ये नंबर वन है. नंबर टू, इन केमिकल प्रोडक्शन व्हाट डू यू थिंक? आपका मन क्या बोलता है, केमिकल प्रोडक्शन में टारगेट कॉस्टिंग अप्लाई होगा? होगा,
नहीं होगा, क्यों? केमिकल का डिजाइनिंग नहीं होता है, देयर इज नो डिजाइन कॉन्सेप्ट, और जहां डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहां टारगेट कॉस्टिंग नहीं होता, देयरफॉर नॉट एप्लीकेबल. ठीक है, फॉर्मूला होता है, डिजाइनिंग नहीं होता, रीडिजाइन नहीं हो सकता, इंप्रूवमेंट नहीं आ सकता. एक बार एक फॉर्मूला फिक्स हो गया बस वही चलेगा. तो जहां पे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते, परिवर्तन नहीं ला सकते, कॉस्ट रिडक्शन नहीं कर सकते आप. कॉस्ट रिडक्शन इज द मेन थिंग ना. नेक्स्ट, टारगेट कॉस्टिंग कंट्रोल पॉइंट्स. कंट्रोल पॉइंट्स मतलब ये बोल रहे हैं हम लोग कि कब आपको टारगेट कॉस्टिंग में बाहर आ जाना चाहिए, या आपको पता चले कि आप सही चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो. मतलब दीज आर इंडिकेटर्स. कंट्रोल पॉइंट्स मतलब यहां पे हम लोग बोलना चाह रहे हैं इंडिकेटर्स कि आपका रास्ता सही है कि नहीं है. तो द मोमेंट यू आर सीइंग दैट इटरेशंस आर गोइंग अगेन एंड अगेन टू रिड्यूस द डिजाइन कॉस्ट, देन यू शुड बेसिकली फेज आउट. ज्यादा इटरेट नहीं करना चाहिए. देन आपको पता होना चाहिए कि कब आप गो नो गो डिसीजन लोगे. गो नो गो मतलब समझ में आ रहा है कि बंद कर दो या अब माता नहीं लगाएंगे, अब इस पे अब दूसरा कुछ दिमाग लगाते हैं. मतलब ज्यादा स्ट्रेच नहीं होना चाहिए. दोनों का बात यही है. मतलब हियर इट इज यू आर टॉकिंग अबाउट टाइम टू अबेंडन. यू शुड नो, यू शुड पुट अ टाइम लिमिट कि कब हम इसको अबेंडन कर देंगे. और यहां पे हम लोग बोल रहे हैं लॉन्च शुड बी अर्लीएस्ट पॉसिबल. अगर आप ज्यादा डिले करोगे लॉन्च करने में तो ऑब्वियसली इसका कोई यूज ही नहीं रहेगा, वर्थ ही नहीं रहेगा. अगर आप नहीं कर पा रहे तो छोड़ दीजिए, अबंडन कर दीजिए. एंड अगेन माइलस्टोन्स होने चाहिए. माइलस्टोन समझते हैं क्या? हाँ, माइलस्टोन समझते हैं. इंटरमीडिएट कंट्रोल पॉइंट्स या चेक पॉइंट्स, कि अगर हम माइलस्टोन्स अचीव ही नहीं कर रहे हैं, हम आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं. माइलस्टोन्स बेसिकली गिव यू अ फीलिंग कि आप आगे बढ़ रहे हैं. माइलस्टोन्स का मतलब है कि आप कैसे पता लगेगा कि आप कहां से कहां आ गए. तो यू शुड हैव, इंस्टेड ऑफ स्टार्ट एंड एंड जस्ट, यू शुड हैव डिफरेंट माइलस्टोन्स which motivates you to reach to the end also, and it also helps you to know whether you are sailing ahead or not. Intermediate checkpoints. Now, implementing a target costing system में आपको ये एक point है, ये पहले भी exam में आया हुआ है एक बार, बहुत ज्यादा तो नहीं आया हुआ है. कैसे आपको implement करना चाहिए? Create a project charter. चार्टर मतलब क्या होता है पता है क्या? एजेंडा, कि आप क्या करना चाहते हो, उसका डिटेल डॉक्यूमेंट कि व्हाई यू आर हैविंग दिस टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम एंड इट इज फॉर विच प्रोडक्ट दैट यू वांट टू अचीव दिस, एंड किसको क्या क्या करके दिखाना पड़ेगा, पूरा डिटेल्ड एजेंडा. देन ऑप्टेन अ मैनेजमेंट स्पॉन्सर. ये मैनेजमेंट स्पॉन्सर मतलब एक टॉप मैनेजमेंट का एक पर्टिकुलर पर्सन को आप स्पॉन्सर बना लो, जिससे कि नीचे लेवल पे, मिडल और लोअर लेवल पे जो भी डिसीजन अटके उनका सपोर्ट मिले. कभी भी टारगेट कॉस्टिंग में बहुत सारा इनिशियल डिजाइन में फंड यूज होता है, तो फंड सैंक्शन में कहीं कोई रोक ना लगे, फंड सैंक्शन सीमलेसली होता रहे. तो मैनेजमेंट स्पॉन्सर का ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक सपोर्ट मिलना चाहिए फ्रॉम अ टॉप मैनेजमेंट पर्सोनल, फ्रॉम अ KMP, यू कैन से की मैनेजेरियल पर्सोनल, फ्रॉम अ की मैनेजेरियल पर्सोनल, जिसका काम है कोई भी रोड ब्लॉक्स आ गया तो वो सपोर्ट करने आ जाएंगे और फंडिंग इश्यूज नहीं आने देंगे. ऑप्टेन फंडिंग. अब डिफरेंट टीम्स काम करते हैं ना टारगेट कॉस्टिंग में, तो लॉबिंग हो जाता है, तो लॉबिंग से बाहर निकालेंगे, रोड ब्लॉक्स एलिमिनेट करेंगे कि कोई पर्टिकुलर
प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही क्लिक नहीं कर रहा, तो ही विल हेल्प आइडेंटिफाई दैट एंड इंश्योरिंग दैट अदर प्रॉब्लम्स आर ओवरकम्ड इन टाइमली मैनर. फॉर मैंने यहां पे मार्किंग कर दिया. ऑब्टेन अ बजट. नो, बजट मींस यू शुड हैव फंड रेडिली अवेलेबल टू ट्राई इट आउट. इफ यू डोंट हैव फंड देन अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम. व्हाट इज द प्रॉब्लम? इफ यू डोंट हैव फंड देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम. व्हाट इज द प्रॉब्लम? कि आपको बीच में एक्सपेरिमेंट करने के लिए फिर इटरेशन करने के पैसे ही नहीं होंगे, तो आप कहां से आगे बढ़ोगे? सारे आइडियाज खत्म हो जाएंगे. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि फंड फिर जुगाड़ करना पड़ रहा है. टॉप मैनेजमेंट का आइडिया तो था, हाँ हाँ बोल दिया, फिर फंड नहीं देने रेडी. फंड रेडी नहीं है, टारगेट कॉस्टिंग इनिशिएटिव नहीं होना चाहिए. असाइन अ स्ट्रॉन्ग टीम मैनेजर. टीम मैनेजर इज सपोज टू बी अ पर्सन हु विल शो लीडरशिप क्वालिटी, जो सबको लेके चले. लॉबिंग ज्यादा नहीं होने दो, होने दे, सबका रिलक्टेंसी को दूर करे. एंड ही शुड बी इक्विप्ड विथ ऑल मैनेजरियल स्किल्स. ठीक है, ही विल वेल्ड द ग्रुप टुगेदर स्मूथ फंक्शनिंग टीम के लिए. ही शुड बी मैनेजर स्किल्ड इन डीलिंग विथ मैनेजमेंट. स्किल्ड होना चाहिए इसको. सारा प्रोजेक्ट टूल्स यूज करना आना चाहिए. एंड ही शुड बी अ फुल टाइम एम्प्लॉय. आपको बता दे, वापस से मैंने पिछले बैच में भी बताया था, ये सब करने के लिए यू नो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, दे मेक अ सेपरेट लीडरशिप प्रोग्राम. बताया था कभी? हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक प्रोग्राम है, YLP, यंग लीडरशिप प्रोग्राम. पहले कभी बताया होगा. ऐसे ही प्रॉक्टर एंड गैम्बल का है, ऐसे ही ITC का भी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी है. दे हैव लीडरशिप प्रोग्राम वेयर दे सिलेक्ट द क्रीमेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड. क्रीमेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम बी स्कूल और दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, समथिंग लाइक दैट. एंड उनका मतलब क्रीमेस्ट मतलब कैसे जज करते हैं, जैसे सी है तो टॉप 10 में रैंक होना चाहिए, टॉप 50 भी शायद न ले, टॉप 10 में रैंक है तो, MBA में IIM ग्रेजुएट है तो, या फिर कोई और भी अच्छा एजुकेशन क्वालिफिकेशन होल्ड करता है तो. दे मेक अ टीम एंड दे एलोकेट अ फंड, दे एंगेज वन फुल टाइम टीम हेड और सबको बोल देते जाओ टारगेट कॉस्टिंग करो. ये हमारा कॉन्सेप्ट है, रिसर्च एजेंसी ने हमें ये दिया है कि ये चीज बहुत चलेगा. अब आपको इसके पीछे पढ़ना है और इसका कंट्रोल पॉइंट्स बनाना है, डेटा इकट्ठा करना है, और इसके लिए आपको वर्ल्ड में जहां जाना हो कंपनी स्पॉन्सर करेगा आपको. उसमें लीडरशिप प्रोग्राम में आपका ट्रेनिंग चल रहा है, बट ये लोग 25-25 लाख तक का सैलरी ऑफर कर देते हैं ट्रेनीज को, जो सीनियर है वो अलग, और फंड एलोकेट कर देते हैं. जैसे भी एक्सपेंड करो, रिपोर्ट बनाओ, हमारे डिजाइन टीम के साथ बैठो, प्रोडक्ट प्रोटोटाइप बना के लाओ, एंड द मोमेंट द प्रोटोटाइप इज रेडी यू ऑल आर रिवॉर्डेड विथ ह्यूज इंसेंटिव्स अगेन. एंड इफ इट इज एक्चुअली सक्सेसफुल तो आप उस प्रोडक्ट के डिविजन कंट्रोलर भी बन सकते हो, या फिर आप, जैसे दो तरह के चॉइस होते हैं ना, एक मैं डिवीजन कंट्रोल नहीं बनना चाहता, मैं वापस ऐसा ही कोई रिसर्च वापस करना चाहता हूं. तो इट इज योर चॉइस कि यू वांट टू अगेन नाउ बिकम अ टीम लीडर फॉर अनदर सच काइंड ऑफ टीम, और यू वांट टू कंट्रोल द ऑपरेशंस एंड सक्सेस ऑफ दिस प्रोडक्ट. फिर वो प्रोडक्ट जैसे ही लॉन्च होता है उस प्रोडक्ट का डिविजन हेड बना दिया जाता है कि इसका हेड यही इंसान है, क्योंकि इसके ही निगरानी में इसका डिजाइन कॉन्सेप्चुलाइज करके फाइनलाइज किया गया था. तो बड़ी बड़ी कंपनियां वाकई में ये सब करती हैं, एंड ये सब बहुत कॉमन है. मतलब अगर आप भी ऐसा एम करते हो कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है, तो आपको टॉप 10 पहले CA में आना पड़ेगा, और उसके बाद तो वर्ल्ड टूर इनके तरफ से है, और 20-25 लाख रुपए से सैलरी स्टार्ट करते हैं, और फिर तो मतलब आप एक बार अगर इनका वो
डिजाइन फेज को कॉन्सेप्चुलाइज कर पाई अगर आपकी टीम सक्सेसफुली, तो आप इनके लिए मतलब एक जेम बन जाते हो। फिर तो आप मतलब समझिए 25 लाख का एक करोड़ भी मांग ले तो कोई लोग ना नहीं कर सकते। मतलब दैट इज देयर स्केलिंग। एनरोल फुल टाइम पार्टिसिपेंट्स, यही सब आप देखिए ना, उससे कनेक्ट करिए आपको सब समझ में आएगा। फुल टाइम पार्टिसिपेंट्स नहीं होंगे तो सक्सेस आने का ही नहीं। यूज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चैप्टर करके अब चैप्टर होता था वो हटा दिया गया है। एंड एक मिनट ये भी बता दे कि इंस्टीट्यूट रिव्यू कर रहा है कि क्यूटी का एक दो चैप्टर वापस डालेगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चैप्टर ऐसे ओल्ड कोर्स वाले तो पढ़े ही हैं, और जो लोग ओल्ड कोर्स शुरुआत में थे वो लोग पढ़ लिए बेचारे, फिर बाद में न्यू कोर्स के लिए माइंड सेट किए। अभी भी कई लोग ऐसे मुझे मिल रहे हैं, सर वापस ओल्ड कोर्स में चल जाए क्या, न्यू कोर्स के हिसाब से पूरा पढ़ लिया कि बहुत परेशानी हो रही है न्यू कोर्स में, तो लग रहा है ओल्ड कोर्स में शिफ्ट मार दे क्या। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे भी मिल रहे हैं मेरे को। एनीवेज, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, एक्चुअली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करके क्यूटी का एक चैप्टर होता था, उसके बारे में बताया जा रहा है कि कैसे एक प्रोजेक्ट को मैनेज किया जाए। और इंस्टीट्यूट ने भी बोला है कि हम लोग भी रिव्यू कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चैप्टर वापस डालना है कि नहीं डालना है। एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है यहां पे, बहुत सिंपल सा, इसको सॉल्व करके देखेंगे। काउलून टॉय कंपनी, काउलून एक्सपेक्ट्स टू सक्सेसफुली लॉन्च टॉय एच बेस्ड ऑन अ डिज्नी कैरेक्टर। केटीसी मस्ट पे होगा, पे मे नहीं पे, 15% रॉयल्टी ऑन द सेलिंग प्राइस टू द डिज्नीलैंड। केटीसी टारगेट्स अ सेलिंग प्राइस ऑफ 100 rupees पर टॉय एंड अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग प्राइस। तो टारगेट कॉस्ट क्या हो गया, टारगेट कॉस्ट इज टारगेट प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट। टारगेट प्राइस 100 मानो ही मत, रॉयल्टी देना पड़ेगा, 100 माइनस आपका रॉयल्टी चला गया 15, तो नेट टारगेट प्राइस आपको मिला, नेट टारगेट प्राइस 85। फिर उसमें प्रॉफिट 25% ऑफ 100, नेट नहीं करना 100 पे 25, तो इट इज कमिंग 60 rupees। Then after this, following are the cost data forecast. Component H1 ₹8.5, H2 ₹7, labor का ₹24, product specific overhead ₹13.5। जोड़िए कितना है, actual cost का total क्या है, 15.5, 39.5, 40, 53 आ रहा है। 53 आया, plus In addition, each toy requires 0.6 kg of other materials which are supplied at a cost of ₹16 per kg. तो cost क्या हुआ उसका, 9.6, 16 into 0.6 is 9.6, with a normal 4% substandard quality which is not usable in the manufacture. So आप समझो, this is 4%, it product requires 0.6 kg, so 0.6 kg has to be a good quality that should be absorbed in the product, that should be absorbed in the toy. Toy requires 0.6 kg. Okay, so if you are buying this material where 4% is lost due to quality problems, so can you understand that this 0.6 is 96%. So you can divide it by 96% to find out your cost of material that you have to pay. It is coming 10 rupees. So 63 is your actual cost, whereas target is 60. Target is 60. So question is, determine if the above cost structure is within the target cost. No, it is not within the target cost. If not, what should be the extent of cost reduction? 3 rupees is the extent of cost reduction. What are the ways of reducing cost? Arre batao. Or cheaper raw material or? Arre aapko ways of cost reduction properly batana hoga. Abhi aap man se fekna shuru kar diye.
वेज ऑफ रिड्यूसिंग, आपको लाइफ साइकिल देखना चाहिए, आपको वैल्यू एनालिसिस इंजीनियरिंग करना चाहिए, काइजेन करना चाहिए, वेज ऑफ रिड्यूसिंग कॉस्ट, कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स में जाना पड़ेगा, ये पूरा पॉइंट बताना होगा, हाउ टू डू वैल्यू एनालिसिस, ये वाला टेबल, इफ एनी फंक्शन कैन बी एलिमिनेटेड, इफ एनी ड्यूरेबिलिटी रिलेबिलिटी कैन बी, ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी कैन बी एलिमिनेटेड, समझ आ रहा है? कैन वी सब्स्टिट्यूट एनी पार्ट्स, कैन वी कंबाइन एनी स्टेप्स, ये सब पॉइंट्स रेज करने पड़ेंगे. यू कैन राइट एक लाइन वहां पे कि फॉर कमेंट्स वी कैन रेफर पेज, कितना नंबर है देख लीजिए, 4.9. फॉर अदर कमेंट्स फॉर कमेंट्स ऑन वेज ऑफ रिड्यूसिंग कॉस्ट, रेफर पेज 4.9. हो गया. नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, और उसमें कुछ भी पढ़ाने का नहीं है. अच्छा, यहां पे कावेरी लिमिटेड का केस स्टडी है, प्लीज यू कैन डू दिस बाय योरसेल्फ. अब ये सेल्फ स्टडी का केस स्टडी सिनेरियो जो है, मैंने जब जेरोक्स शीट प्रिंट किया था तब नहीं था, अभी डाल दिया नया. कावेरी लिमिटेड, जिंगारू, हाँ. चलिए इसको पढ़िए तो आप एक बार, टाइम लीजिए, कब आप छोड़ देंगे मेरे को पता है. पढ़िए आप 5 मिनट पढ़िए, और पढ़ के ना करना क्या, जैसे समराइज हम लोग कर रहे हैं ना, कि यहां पे क्वेश्चन क्या है वो भी समराइज करिए, क्या मुद्दा ये रेज कर रहा है. केस स्टडी पढ़ने का हैबिट तो डाले, केस स्टडी तो वैसे भी करना ही अपने को बहुत सारा. पढ़िए फिर अपने डिस्कस करते हैं. कावेरी इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ बाइक्स इन इंडिया. It sells them outside India. In India and outside India. KL has just launched world's smallest and most affordable bike, Jingaru. The bike is mounted with all aluminium, single cylinder, air cooled, 99.2 cc. अभी आप लोग को समझ में आता है कि सीसी वीसी, सीसी इज द कैपेसिटी ऑफ द इंजन, क्यूबिक सेंटीमीटर, बेसिकली दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द इंजन टू गिव यू द बूस्ट. 99 cc इज वेरी लेस. मतलब लूना, नाम सुने लूना, लूना बाइक देखे, देखे नहीं तो हम क्या बताएं. ये सब का माइलेज बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब साइकिल का ही समझ लो, ऑटोमेटेड साइकिल है ये. हाँ, लूना में तो पेडल भी होता है, पेडल. अब हम ही दिखाएं. बच्चा लो ऐसे रोने लग जाए तो दिखाना ही पड़ेगा. लूना नहीं देखा आप लोग, क्या किया पता नहीं, सब शहरी बच्चा लोग हैं. लूना बाइक ये नहीं देखा ऐसा. ये रहा लूना, गांव में बहुत चलता है, यही इसका टंकी है, इतना छुटका सा. इसमें 4-5 लीटर आता है खाली, 4-5 लीटर ही
मैक्सिमम पेट्रोल आता है, 4 लीटर आता होगा और माइलेज है 100 से ऊपर, मतलब आप 4 लीटर भरा लीजिए तो महीना भर का जरूरत नहीं है, बट स्पीड नहीं होता इसमें, पैडल होता है, देखिए पैडल है ये, देख रहे हैं पैडल होता है साइकिल जैसा। पढ़िए पढ़िए, इट हैज बीन क्रिएटिंग कॉम्पिटिशन फॉर टू व्हीलर्स एज नन ऑफ द इंडियन कंपनीज एज वेल एज फॉरेन कंपनीज। कॉम्पिटिशन की बातें आने लगे मतलब टारगेट कॉस्टिंग क्लिक करना चाहिए, कॉम्पिटिशन मतलब ही टारगेट कॉस्टिंग। और आपको याद है ऑटोमोबाइल्स सिनेरियो में, असेंबली जॉब्स में, रिपीटेटिव जॉब्स में टारगेट कॉस्टिंग सूट भी करता है, जब आपको एक ही चीज बहुत सारा बनाना है। KL has adopted target costing technique in manufacturing this bike. For KL, maintaining target price was difficult. During the designing and production process of bike, input costs increased frequently. However, KL designed various components specially for bike to maintain the target price. मतलब उन्होंने value engineering किया, design various component means they did what? Value engineering. Though one curiosity, how this can be done in future when input costs are bound to increase in future. Many environmentalists have opposed the manufacture of this bike because they believe that mass production of small bike, about 2.5 lakh bike every year, will create heavy pollution. तो ये देखो mix कर दिया है environmental management को। Many people believe that this small bike is not up to the safety standards due to light weight and use of aluminium and plastic frames. The design of this bike is entirely different from that of other bikes. This also causes a doubt that the existing bike mechanics would be able to repair it or not. Durability of bike is another issue. अब क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है इन इंडियन एनवायरमेंट। फर्दर परफॉर्मेंस ऑफ जिंगारू मोर और लेस डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस ऑफ रोड एंड ट्रैफिक सिस्टम। आफ्टर द लॉन्च ऑफ जिंगारू मेनी अदर नेशनल इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल कंपनीज आर ऑल्सो प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर स्मॉल बाइक विच विल क्रिएट टफ कॉम्पिटिशन इन नियर फ्यूचर। सस्ता का कौन प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने टारगेट कॉस्टिंग पढ़ाया था तो नैनो की भी समस्याएं बताई थी, नैनो बंद हो गया, आप पता है ना क्यों बंद हुआ, यही सब रीजन से एकदम डिट्टो। सस्ता के चक्कर में वो लोगों ने उसका वजन को लेके और लाइट वेट और साइज को लेके बहुत सारे एलिगेशंस लगाए लोगों ने, मतलब एजेंसीज ने, कि सेफ्टी के लिए नहीं है और फिर इतने सारे बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन होंगे, उसमें बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स मिनिमाइज किए गए थे तो रिपेयरिंग का भी इशू था नैनो का, बहुत सारा इश्यूज ऐसे ही मिलता जुलता है। स्पीड में तो पलट ही जाएगा नैनो, और बहुत सारे केसेस हुए हैं, सही बोल रहा हूं। नाउ यू बीइंग अ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस एनालिस्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजी विच केएल हैज अडॉप्टेड फॉर जिंगारू बाइक। नहीं, स्ट्रेटेजी विच केएल हैज अडॉप्टेड, हैज अडॉप्टेड, पढ़ लिया आपने लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी। हाँ, नाउ एक सवाल आता है, स्ट्रेटेजी मतलब जैसे देखो एग्जाम में अब सब चीज क्लिक करने का भी एक चैलेंज है, तो स्ट्रेटेजी मतलब कौन सा स्ट्रेटेजी का बात हो रहा है एक्चुअली। ये लोग पूछ रहे हैं प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कौन सा अडॉप्ट हुआ है ना, तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में इट हैज अडॉप्टेड लो कॉस्ट। After adopting target costing, identify issues and challenges faced by KL. ये issues and challenges जो है ना, ये जो आपका chapter 13 case study का बना हुआ है उसका majority case studies इसी तरह से सजाया हुआ है। Issues बताओ, challenges बताओ। और एक चीज बताते हैं, इसमें कोई perfect answer नहीं होता,
केस स्टडीज का रूल समझ लीजिए, आपको जो लगता है आपको वही बताना है और एक्सप्लेन करना है व्हाई दैट इज अ चैलेंज. अगर आपने एक ऐसा पॉइंट बता दिया जो पूरा हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स ने नहीं नहीं बताया बट आपने वेल एक्सप्लेन किया है, तो सच में वो मार्क्स मिलेगा आपको. समझ गए? इश्यूज एंड चैलेंजेस हैज टू बी कन्विंसिंगली एक्सप्लेन्ड, इट नीड नॉट बी अ कॉपी पेस्ट ऑफ सजेस्टेड आंसर. सो आफ्टर अडॉप्टिंग टारगेट कॉस्टिंग, क्या इश्यूज एंड चैलेंजेस फेस बाई केएल एंड सजेस्ट द रेमिडियल एक्शन टू बी टेकन टू सॉल्व दिस इश्यूज. खाली ज्ञान देके मत चल जाना, उसको ओवरकम कैसे करना ये भी बताना. तो अब आप क्वेश्चन को ठीक से देखे तो वो तो अपना चैलेंजेस खुद बताया था. दो चैलेंज है, बहुत ईजी है ये सब. दो चैलेंज था क्या? पहला नहीं, पहला ये वाला था, इनपुट कॉस्ट को लेकर उसका टेंशन था, है ना, और दूसरा एनवायरमेंट को लेकर टेंशन है, एनवायरमेंट एंड सेफ्टी. अब चैलेंज मतलब क्या होती है पता है? समस्या. एक अच्छा वर्ड होता है वर्ड चैलेंज. चैलेंज बोलने से ऐसा लगता है ना कि आपको चैलेंज दिया जा रहा है तो आप उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हो. आपको समस्या दिया जा रहा है तो आप दब जाओगे, हम क्या करें. बट चैलेंज समझते हो हर प्रॉब्लम को. इफ एवरी प्रॉब्लम इज टेकन एज चैलेंज, यू बिकम अ वॉरियर, यू हैव टेंडेंसी टू फाइट. सो आई नॉर्मली डोंट कॉल प्रॉब्लम्स एज प्रॉब्लम, मैं तो चैलेंजेस वर्ड बहुत कॉमनली यूज करता हूँ. एक स्टूडेंट था हमारे पुराने के पुराने बैच में, वो तो मेरे से वर्ड ऐसा सीख लिया कि जब मेरे से बात ही करता था वो चैलेंज वर्ड को हमेशा यूज करता था. मतलब कोई भी अपना समस्या को लेके आ रहा है, सर आई हैव द फॉलोइंग चैलेंजेस, कैन यू प्लीज हेल्प मी फाइट विद दिस. मतलब उसका एक टोन ही था और वो अच्छा लगता है, पॉजिटिव साउंड करता है. आप देखिए, प्रॉब्लम बोलते हो तो लगता है अरे आप परेशान हो, बट आप चैलेंजेस बोल के लेके आते हो तो लगता है कि आप फाइटर हो. ये एक्चुअली सीमा का जो क्वेश्चन पेपर्स है उसका स्टैंडर्ड है, और वहां पे कभी भी प्रॉब्लम को उन्होंने प्रॉब्लम बोला नहीं है, उन्होंने हमेशा चैलेंजेस ही बोले. तो वही चीज को यहां पे हाईलाइट किया. तो दो चैलेंज क्लियर दिख रहा है. इंटरेस्टिंगली ये क्वेश्चन ऐसा बनाया गया कि चैलेंज इज क्लियरली रिटन बट मेनी टाइम्स चैलेंजेस हैज टू बी थॉट ऑफ. जैसे इतना कहानी नहीं बताता, हो सकता था केएल का ये प्रॉब्लम नहीं बोलता तो क्वेश्चन खुद बोलता, व्हाट यू थिंक कैन बी द चैलेंजेस. यहां तो ऑलरेडी क्वेश्चन ऐसा बोला है कि आफ्टर अडॉप्टिंग टारगेट कॉस्टिंग आइडेंटिफाई इश्यूज एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय केएल. फेस्ड मतलब यो फेस कर रहा है वो बताओ, अदरवाइज क्वेश्चन कभी कभी रेज करता है एक ऐसा पॉइंट जिसमें आपको खुद से सोचना पड़ता है. अब आपका जो केस स्टडीज का आंसर होता है ना, वो कभी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर सेंट्रिक नहीं होना चाहिए. उसमें आपको 360 डिग्री सोचना पड़ता है. और नॉर्मली हर प्रोडक्ट में आप एक केस स्टडी में कंसर्न जगाएंगे सोसाइटी के प्रति, क्वेश्चन बोले या ना बोले. ये केस स्टडी का एक सीक्रेट होता है. केस स्टडी में एक सोसाइटी के प्रति अगर आपके ऊपर फ्रीडम छोड़ दिया जाए कि आप चैलेंजेस बताओ, तो आपको मन से एक सोसाइटी के प्रति कंसर्न जगाना पड़ेगा कि व्हेन यू आर डूइंग दिस देन दीज आर द कंसर्न टुवर्ड द सोसाइटी ऑल्सो, जिसको हम लोग एथिकल चैलेंज बोलते हैं, एथिकल इशू बोलते हैं. ये हम लोग केस स्टडी जब ऑफिशियली शुरू करेंगे तो आपको बताएंगे कि देर हैज टू बी सम एथिकल इशू इन एवरी बिजनेस विच इज अ चैलेंज फॉर द कंपनी, सम वे और द अदर वे दे हैव टू ओवरकम इट. तो इसमें एथिकल है एनवायरमेंट, एंड बाकी अपना इंटरनल प्रोसेस रिलेटेड है इनपुट का कॉस्ट. करेक्ट? तो एक है इनका मेंटेनिंग टारगेट प्राइस और दूसरा है एनवायरमेंटल इशूज एंड सेफ्टी इशूज. और इसमें चैलेंजेस को और भी ब्रेक किया गया है, इन्वायरमेंटल इश्यूज के बाद सेफ्टी इश्यूज, सर्विसिंग और रिपेयर फैसिलिटीज, ड्यूरेबिलिटी, ग्लोबल कंपटीशन. तो दीज आर चैलेंजेस. अब ये यहाँ पे दूसरा इन्वायरमेंटल आ गया, तीसरा आपका रिपेयर वाला इशू आ गया, चौथा यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी का कंसर्न आ गया, और पांचवा टफ कॉम्पिटिशन का इशू आ गया. अब देखिए मैंने सब मार्क किया हुआ ही था. तो क्या होता है ना, जब आप चैलेंजेस केस स्टडी पढ़ते हो तो चैलेंजेस को दिमाग में रख के पढ़ो.
कि आपको क्या एक मैटर लगा, फिर एक मैटर, एक एनवायरमेंट मैटर, एक रिपेयर का मैटर था, एक ड्यूरेबिलिटी का मैटर था और एक ग्लोबल कंपटीशन का मैटर था। अब एक केस स्टडी में एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू, प्रायोरिटाइज इट, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 बताइए। मतलब पहले बताइए कितना इश्यूज है, जैसे यहां पे कितना इश्यूज आया, 5। नाउ यू हैव टू प्रायोरिटाइज विच शुड बी एड्रेस्ड फर्स्ट एंड व्हाई, व्हाई यू थिंक दैट शुड बी एड्रेस्ड फर्स्ट। ये जो आया ना, ये आपका 10 मार्क का क्वेश्चन है या 16 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। सीमा में हम लोग ये क्वेश्चन 100 मार्क के लेकर के आए। ऐसा ही कहानी आता था जो 30 पेज तक चलता था, उसके बाद जो क्वेश्चन में ये 1 और 2 आया ना, वैसे ही आता था। पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दिस स्ट्रेटेजी, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द इश्यूज, प्रायोरिटाइज द इश्यूज एंड व्हाई यू शुड यू थिंक दैट दिस इज फर्स्ट एंड दैट इज सेकंड एंड देन हाउ टू रिजॉल्व द इश्यूज। नाउ हाउ टू रिजॉल्व में यू हैव टू अगेन हाउ टू रिजॉल्व का भी रूल्स है, ये मैं बताऊंगा, लिखा दूंगा आपको सब। हाउ टू रिजॉल्व का रूल्स है, रूल बोलता है कि रिजोल्यूशन में खाली अपना एक आंसर नहीं बताना, ऐसे रिजॉल्व कर लो। यू हैव टू सजेस्ट ऑल्टरनेटिव्स एंड देन यू हैव टू रेकमेंड व्हाई वन ऑल्टरनेटिव इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। समझ रहे हैं? इश्यूज, प्रायोरिटाइजेशन एंड अगेन व्हाई दैट शुड बी नंबर वन, दैट शुड बी नंबर टू। देन सोल्यूशन, सोल्यूशन मीन्स डिफरेंट ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन, देन चूजिंग द बेस्ट वन। सो इसका एक झलक आपने देख लिया यहां पर। मेंटेनिंग ऑफ टारगेट प्राइस इज द फर्स्ट इशू। Now it is the world's smallest, cheapest bike. Maintaining target price proved to be a big challenge because input costs are bound to increase further and initial value engineering may not cover all possible changes. So iska solution hai Kaizen costing. This is the solution. Okay. Environmental issues mein but you have to be basically prepared for balancing the environment or you have to stick to compliances of emissions. Sir, what is BS? BS India mein Bharat stage bolke compliance norms hai for vehicles. Ab dekhe kabhi gaadi baadi mein likha rehta, dekhiyega Bharat stage 3 compliant, Bharat stage 4 compliant, abhi stage 4 chal raha hai. BS emission issues are basically Bharat stage compliance issues. अब केस स्टडी में एक और टैलेंट आपका चेक किया जाता है कि आर यू एबल टू लिंक एनीथिंग फ्रॉम द रियल वर्ल्ड इन योर आंसर। जैसे इन्होंने किया लिंकिंग द भारत स्टेज कंप्लायंस विद द आंसर, जबकि भारत स्टेज का कोई डिस्कशन नहीं था। तो केस स्टडी क्वेश्चंस का एक और क्वालिटी होता है कि दे एक्सपेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स दैट डू दे नो एनी सिमिलर थिंग इन रियल वर्ल्ड एंड आर दे एबल टू कनेक्ट दैट इन टू द आंसर। अब इसमें आप एग्जाम्पल नैनो का भी कनेक्ट करके आ सकते हैं। दिस इज ऑल्सो सिमिलर केस ऑफ नैनो विच हैड टू बी फेस्ड आउट बिकॉज ऑफ सेफ्टी इश्यूज दैट इट मे हैड बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट। तो आप उसको जब लिंक करते हो तो आपका आंसर का लेवल बढ़ता है। अब केस स्टडीज के क्राइटेरियाज हैं, तो इसमें सोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज इज फॉर दिस इश्यू जिंगारू बाइक कैन बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन भारत स्टेज एमिशन नॉर्म्स। दीज नॉर्म्स रेस्ट्रिक्ट द पॉल्यूशन क्रिएटेड बाई एनी मोटर व्हीकल इन इंडिया। सेफ्टी इश्यूज के लिए क्या सोल्यूशन, मतलब इन लोग सोल्यूशन दे रहा है कि आप सेफ्टी इश्यूज के लिए शुड मेक पीपल अवेयर दैट सेफ्टी इज प्राइमरी, ड्राइव सेफली। लॉजिकल सोल्यूशन है, कोई जरूरी नहीं। आपको क्या लगता है और क्या सोल्यूशन आप दे सकते हैं? सेफ्टी इश्यूज है तो जिंगारू बाइक इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम एंड प्लास्टिक फ्रेम, सो दिस में ऑल्सो क्रिएट सेफ्टी इश्यूज। तो आप यहां पे बता सकते हैं कि यू मे गिव अ बेसिक ट्रेनिंग दैट व्हाट इज द स्पीड लिमिट, यू कैन गिव डिस्क्लेमर्स कि इट शुड नॉट बी ड्रिवन अबव द स्पीड बिकॉज इट कैन कॉज एक्सीडेंट्स। ऐसा करके आप अवेयरनेस रेज कर सकते हैं।
इसका एडवर्टीजमेंट में यूज डिफाइन कर सकते हैं. यू आर नॉट सपोज टू टेक इट ऑन हाईवेज, यू आर नॉट सपोज टू टेक इट फॉर लॉन्ग रोड ट्रिप्स. सॉल्यूशन उसी तरह से सर्विसिंग और रिपेयरिंग फैसिलिटीज का क्या होगा, मैनुअल निकालेंगे. रिपेयरेबल सर्विसेबल पार्ट्स यूज करिए, रिपेयर सेंटर आप बनाइए, गुड नेटवर्क ऑफ सर्विस सेंटर आप अपना बनाइए या फिर मैनुअल्स निकालिए. करेक्ट, और भी ऑप्शन हो सकते हैं ना, रिपेयर मैनुअल्स बताइए. ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन बताने पड़ते हैं. और क्या हो सकता है कि सर्विसेबल पार्ट्स यूज करने का कोशिश करिए, विच हैज टू बी कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो. जैसे मारुति आगे क्यों निकला पता है अपने ऑटोमोबाइल बिजनेस में, मेन रीजन कि उसका पार्ट्स बहुत ज्यादा लोकलाइज्ड है. मतलब लोकलाइज मतलब इजीली अवेलेबल एट चीपेस्ट रेट, तो मेंटेनेंस इश्यूज बहुत कम आते. मतलब आते तो हैं लेकिन उसका कॉस्ट बहुत कम आता है. ड्यूरेबिलिटी का सोल्यूशन क्या है, ड्यूरेबिलिटी, जैसे ड्यूरेबिलिटी में एक और है कि कंडीशन ऑफ रोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर रोड कंडीशंस खराब है तो उपाय यह होता है कि लाइफ बढ़ाने के लिए आप शॉकर्स होते हैं बाइक में, शॉकर्स जो टायर को ऊपर नीचे करते इन बैड रोड कंडीशंस, ज्यादा जर्क नहीं होने देते, तो वही उसको शॉकर्स को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक. हाइड्रोलिक इज बेसिकली स्प्रिंग, हाइड्रोलिक वर्ड मतलब होता है वो स्प्रिंग. स्प्रिंग होता है, आप देखिएगा बाइक का हैंडल से टायर के बीच में एक स्प्रिंग होता है, वो अच्छी क्वालिटी का यूज करने से ड्यूरेबिलिटी हाई हो जाती. शुड बी कंपैटिबल टू द रोड्स एंड ट्रैफिक सिस्टम. ग्लोबल कंपटीशन में क्या उपाय है, आपको कॉस्ट रिडक्शन कंटिन्यूअसली करते रहना पड़ेगा. चलिए केस स्टडी. केस स्टडी मैं बहुत देर से कर रहा था, मेरे मन में केस स्टडी एक अच्छा वाला आ गया. और ये एक्चुअली चैप्टर 13 का केस स्टडी का क्वेश्चन है, जिसमें ये लोग इश्यूज हाईलाइट करने बोलते हैं और उसके सोल्यूशन भी बताने बोलते हैं. अब वो इश्यूज जरूरी नहीं होते कि आपको कॉपी पेस्ट ही करना है, वहीं से कट करके निकालना है. यू कैन रेज एनी अदर थिंग ऑल्सो. एंड ऑल्सो इन इश्यूज वन प्राइम क्राइटेरिया इज यू हैव टू हाईलाइट एन एथिकल इशू. जनरली क्वेश्चन ऐसा बनाया ही जाता है कि उसमें एक ना एक एथिकल इशू होगा ही होगा, ठीक है. एंड द चैलेंज इज ऑल्सो टू डिवाइस डिफरेंट सोल्यूशन एंड रेकमेंड वन सोल्यूशन. मतलब इफ यू विल आस्क मी सर आर यू हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ द आंसर हियर, आई विल से नो. व्हाई? बिकॉज दे हैव नॉट कन्फर्म्ड व्हाई, दे हैव नॉट शोन द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ इशूज. मतलब इशूज का एक प्रायोरिटाइजेशन ऑर्डर होना चाहिए कि पहले इसको एड्रेस करिए, फिर इसको एड्रेस करिए, फिर इसको एड्रेस करिए. दे हैव नॉट टॉक्ड अबाउट इट. एंड ऑल्सो आई एम नॉट हैप्पी विद द सोल्यूशन बिकॉज दे आर स्टिकिंग टू वन सोल्यूशन. जनरली द आइडिया इज टू सजेस्ट ऑल्टरनेटिव एंड ऑल्सो सजेस्टिंग द बेस्ट अमॉन्ग द ऑल्टरनेटिव. सो इफ वी हैव टू राइट अ प्रॉपर आंसर. नाउ अगेन ऑब्वियसली आई एम हैप्पी हियर ऑल्सो कि एटलीस्ट ऐसा कुछ आपको मिला तो सही सीखने को. दूसरा एक और चीज है कि आपको अपना समय भी देखना होगा एग्जाम में और कितना मार्क्स है वो भी देखना होगा. मैं तो आपको बता रहा हूँ 100 मार्क के एंगल से कि मारे को तो ये सब आंसर 100 मार्क के लिए करने को मिलता था, तो आपको तो शायद 8 मार्क के लिए मिले या 10 मार्क के लिए मिले. तो ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है ना, तो इतना भी लिखने में भी टाइम जाएगा ना, ठीक है. नेक्स्ट इज योर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, वेयर आई डोंट हैव एनी रोल, इट इज ऑल प्योरली डिस्कस इन क्लास. एंड विद दिस आई कंक्लूड दिस चैप्टर. लाइफ साइकिल कॉस्टिंग रेफर क्लास नोट्स, उसमें मैट में सारा ये सब कुछ डिस्कस किया गया. लाइफ साइकिल इज फुल्ली कंप्लीट. टारगेट कॉस्टिंग का जो थ्योरी पार्ट था वो थोड़ा एक्स्ट्रा था, उसमें केस स्टडीज काफी है तो मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है. तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर नंबर 4.